अस्सलामु अलैकुम। तो आज हमने अपना वो टॉपिक करना है जो कि पेपर में आएगा, और इसके पेपर में आने के चांसेस 90% तक हैं कि 90% तक ये डेरिवेशन ज़रूर पेपर में आएगी। इस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो है वो इसको अच्छी तरह से समझना है ताकि ये डेरिवेशन आपको हमेशा याद रहे, और पेपरों में भी ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो इसको आपने सही से समझना है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि हमने थोड़ी सी ग्रुप की फ़ीस बढ़ा दी है। अब ग्रुप की फ़ीस हमारी 2000 हो गई है, 2000। अच्छा, ये 2000 पर ईयर ही देनी है आपने, ठीक है, पर मंथ नहीं है, अभी भी पर ईयर है। और इसी फीस में आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, ठीक है, उसके अलावा एसे का PDF, एप्लीकेशन का PDF और तमाम मटेरियल ग्रुप में आपको आता रहेगा, और जो यहाँ पर मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वो भी मिलते रहेंगे। फ़ीस इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आपको पता है हर चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी फ़ीस बढ़ानी पड़ी है। बाकी आप ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा, इजी पैसा नंबर आ रहा है उसी पे करिए, वही व्हाट्सएप नंबर है उसी पे कांटेक्ट करिए। कहीं 100 बच्चे हमारे ग्रुप में ऐड हैं तो आप भी उस ग्रुप का ज़रूर हिस्सा बने। चलें यहाँ पर आ जाएं। अब सबसे पहले हम अपनी डेरिवेशन को जो है वो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो वेक्टर्स को कंसीडर करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ डेरिवेशन अपनी कॉपी में लिख लो, नोट्स में भी आपको लिखी हुई मिलेगी लेकिन वो शायद थोड़ी हार्ड हो, समझ ना आए, तो मैं डेरिवेशन बिल्कुल बुक के मुताबिक ही करूँगा और लेबलिंग भी बुक के मुताबिक करूँगा, अपने मुताबिक नहीं बनाऊँगा, ठीक है, और बिल्कुल डिटेल में समझाऊँगा। तो जो मैं लिखता जा रहा हूँ जैसे मैं डेरिवेशन करूँगा बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर लो और समझते भी रहो, मतलब सिर्फ कॉपी नहीं करना, समझना भी, और मैं डिटेल भी बताता रहूँगा। अच्छा, कंसीडर टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स। अच्छा, अब वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, बुक में आपके क्या नाम दिया है, V1 और V2, ठीक है, V1 एंड V2। अच्छा, तो ये आपने सबसे पहले लिखकर इस डेरिवेशन को आगाज करना है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है डेरिवेशन, है डेरिवेशन। अच्छा, तो V1 और V2 वेक्टर ग्राफ में ही ड्रॉ करो, तो ये आपके पास आ गया V1 वेक्टर और ये आ गया आपके पास V2 वेक्टर, ठीक है, ये V1 आ गया और ये V2 आ गया। अब इस वेक्टर को थोड़ा सा लो बना लो, इस वेक्टर को थोड़ा सा लो बना लो ताकि एंगल में फ़र्क आ जाए। ये V1 आ गया, अब V2 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस दोनों वेक्टरों को आपस में ऐड करना है, और ऐड करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे, हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टरों को ऐड करना है, और दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हेड टू टेल रूल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी यूज हेड टू TAIL टेल रूल टू ऐड दीज वेक्टर्स, ठीक है, ये वेक्टर्स। अब यहाँ पर हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल कर इन दो वेक्टरों को आपस में ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं ऐड यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, मैं इसको भी दो हिस्सों में स्प्लिट और कर देता हूँ ताकि मेरे पास क्या है डेरिवेशन जो है ना एक ही पेज में आ जाए, मेरे पास डेरिवेशन एक ही पेज में आ जाएगी तो बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत साफ सुथरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर, ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा वरना आप लोगों का ही इसमें लॉस है, ठीक है, मेरा लॉस नहीं होगा, आप लोगों को बहुत इसमें जो है वो आगे कन्फ्यूजन होगी इस डेरिवेशन को खुद से समझने में, खुद से करने में। आई होप ये लाइनें सीधी आ गई हों, तो इसको थोड़ा सा लाइनों को सीधा कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। चलो अब आ जाओ। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर्स को ज़रा हम लिख देते हैं। ये मैंने बना लिए अपने एक्सेसिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब असल जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसमें है, क्योंकि यहाँ पर ही आपने इन दोनों वेक्टरों को आपस में सेमल्टेनियसली ऐड किया है, सेमल्टेनियसली कह रहा हूँ, यहाँ पर ही आपने इन दोनों वेक्टरों को ग्राफ में ऐड किया है। सबसे पहले आपने डिटेल समझनी है क्या बात हो रही है। ये है आपके पास ओरिजिन ओ, जहाँ पर हर चीज़ ज़ीरो होती है, और ये पॉइंट पर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में आके मिलता है। ये आपने V1 वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आपका आ गया V
वन वेक्टर आ गया, ठीक है आपका ये वी वन वेक्टर आ गया। अब इसी के साथ आपको पता है ना, अगर आपने हेड टू टेल रूल लगाना है तो एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रखोगे, तो ये आ गया। याद रखिएगा इस डेरिवेशन को, रटिएगा नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत मुश्किल डेरिवेशन है, रटेंगे तो फिर काम नहीं होगा आसान, ठीक है। ये वी टू आ गया आपका, तो अब हम वी वन और वी टू को आपस में मिला देते हैं रिजल्टेंट के ज़रिए से, ठीक है। ये रिजल्टेंट के ज़रिए से मैंने मिला दिया, अब ये वी वन और वी टू को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं ताकि हमारा ये वी वन और वी टू ना मसला ना करे। ये वी टू आ गया, ये वी वन आ गया, ठीक है। जूम कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जूम कर लीजिएगा चाहे तो, ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये अब आ गया आपका रिजल्टन, ये रिजल्टन वेक्टर आ गया जो कि वी वन और वी टू को ऐड करने से आया। अब ये आ गया आपके पास, अब मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कंपोनेंट शो कर रहा हूँ। ये आ गया आपके पास वी वन का वाई कंपोनेंट, ये वी वन का क्या आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। क्यों, क्योंकि ये देखो वाई एक्सिस को बता रहा है ना, तो ये वी वन का वाई कंपोनेंट आ गया। तो इसे आप लिखोगे वी एक्स, लिखोगे आप इसको क्या लिखोगे, वी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको भी हमने नाम देना है, वो मैं नाम अभी दे देता हूँ, वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ, बुक के मुताबिक ही नाम देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारे नाम मैं बुक के मुताबिक ही दूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, बुक से भी समझ रहे हो तो समझ में आ जाए। अच्छा, तो इन्होंने इसे कहा है ए पॉइंट, तो मैंने इसे ए लिख दिया। इन्होंने इस पॉइंट को कहा है बी पॉइंट, ठीक है, तो मैंने इसको बी लिख दिया। इन्होंने इस पॉइंट को कहा है सी पॉइंट, तो मैंने इसे सी लिख दिया। और ये आ गया मेरे पास, मैं भी सब चीज़ें समझाता हूँ, बस पॉइंट्स को नाम दे दूँ। इन्होंने इस पॉइंट को लिखा है डी पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को लिखा है इन्होंने ई पॉइंट। अच्छा, अब देखो मैंने किया क्या, मैं बताता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास आ गया एक्स कॉम्पोनेंट, यहाँ से लेकर, देखो मैं इसको ना बना भी देता हूँ, ठीक है, ये बुक में बना हुआ नहीं है लेकिन मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ तक मेरे पास आ गया एक्स, सॉरी ये वी वाई कॉम्पोनेंट था, ये मैंने वी एक्स लिख दिया, ये वी वाई कॉम्पोनेंट है, तो वी एक्स कॉम्पोनेंट ये आ रहा है, ठीक है, ये वी एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। और वन वन क्यों, क्योंकि ये वी वन का वाई कॉम्पोनेंट है, ये वी वन का एक्स कॉम्पोनेंट है, मैंने इसे वाई लिख दिया था, सॉरी पहले मैंने एक्स लिख दिया था, इसको वाई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होकर, ओ से स्टार्ट होकर डी तक, यह आ गया आपके पास टोटल रिजल्टन आ गया, ठीक है, ये रिजल्टन आ गया। अभी इस रिजल्टन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ से सी पॉइंट से शुरू होकर डी पॉइंट पर आपके पास आ गया वी टू। देखो वी टू यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इस पॉइंट से वी टू शुरू हो रहा है, तो इसीलिए वी टू का एक्स कॉम्पोनेंट कहाँ से आएगा, ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पर ए की प्रोजेक्शन सी पे गिर रही है, बी की प्रोजेक्शन डी पर, तो सी से लेकर डी तक वी टू एक्स आ गया। अच्छा, अब एक्स कॉम्पोनेंट तो ड्रॉ हो गए। अच्छा, ये याद रखना कि यहां से लेकर यहां तक, B से लेकर E तक V2 का Y कंपोनेंट आ गया। अब रिजल्टेंट पर आ जाओ, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, V1X और V2X इन दोनों को आपस में ऐड, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, O से लेकर D तक आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट, X कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, x कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया आपके पास। अच्छा, अब b से लेकर d तक ये y कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया, y कंपोनेंट का रिजल्टेंट आया, तो r के साथ छोटा सा आपने y लिखना है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपके पास, इसकी ग्राफ में ड्रॉ होगी, या ये ग्राफ आपके पास इसका ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने करनी है इसकी डेरिवेशन, अब हम पता करेंगे रिजल्टेंट अलोंग x कंपोनेंट। लेकिन उससे पहले हमें इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होगा कि जिसमें हमने वी एक्स पता किया था, वी वाई पता किया था। वी एक्स क्या था, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी वाई क्या था, वी इज इक्वल टू वी साइन, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, है ना। तो अब ज़रा इसको आते हैं, सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ वी एक्स। यहाँ लिखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वी वन, ठीक है, वी वन। अच्छा, अब वी वन टोटल वेक्टर है, फिर उसका एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट, तो वी वन एक्स कैसे निकलेगा आपके पास, वी वन कॉस थीटा, है ना। अच्छा, क्योंकि मैंने देखो कॉम्पोनेंट लिखा है ना, तो वी वन वाई,
वो कैसे निकलेगा, वी वन साइन थीटा। देखो याद रखना, एंगल यहाँ बन रहा है और एंगल यहाँ बन रहा है, और एक एंगल यहाँ बन रहा है आपके पास, और एक ये टोटल एंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है, दो एंगल आपके पास ड्रॉ हो रहा है। अच्छा अब आपने वी वन के कॉम्पोनेंट निकाल लिए, सिमिलरली वी टू के कॉम्पोनेंट। अच्छा ये कॉम्पोनेंट निकालना इससे पहले वाले डेरिवेशन में हम सीख चुके हैं। आप लिखिएगा एडिशन रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर एम ई इंग्लिश सेंटर, ये कॉम्पोनेंट निकालना आ जाएगा। आपको शायद लग रहा होगा ये कैसे आए, ये हम निकालना इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे लिखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वी टू। अच्छा वी टू के कॉम्पोनेंट क्या होंगे, वी टू एक्स इज इक्वल टू वी टू कॉस थीटा, वी टू वाई इक्वल टू वी टू साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों कॉम्पोनेंट आपके पास आ चुके हैं। अच्छा अब इन कॉम्पोनेंट को निकालने के बाद अब आपने रिजल्टेंट निकालना है। किस कैसे रिजल्टेंट निकलेगा आपके पास, एक्स एक्सिस में जो रिजल्टेंट है वो निकालना है, और वाई एक्सिस में जो रिजल्टेंट है आपके पास आपने वो निकालना है। अच्छा सबसे पहले मैं देखो, दो रिजल्टेंट है, एक एक्स कॉम्पोनेंट को मिला के बन रहा है, यहाँ पर आप उनके कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट निकाल ले। याद रखना वैक्टर्स के कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट आ रहा है, वैक्टर का रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। वैक्टर का रिजल्टेंट तो आप पहले ही निकाल चुके हो, वो है आर, लेकिन अभी आप वेक्टर्स के कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उन कॉम्पोनेंट्स की मदद से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे। अच्छा तो यहाँ लिखो, हर में लिखना रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट या वी एक्स कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में आपके पास ऐसे नहीं लिखना कि आर एक्स इज इक्वल टू वी वन एक्स वी टू एक्स, ये आपको पता है, लेकिन आपने ग्राफ की मदद से निकालना है। तो कंसीडर करेंगे हम अपना ग्राफ, हम अपना जो ग्राफ है उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो मैं बिल्कुल वर्डिंग सिंपल करके, बिल्कुल सिंपल करके लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट को आप बोल सकते हो क्या, एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट। अच्छा कंसीडर करो आपके पास है आर एक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, आर एक्स कैसे मिलके बन रहा है, ओ डी से मिलके बन रहा है, ओ डी से मिलके बन रहा है, ठीक है। अच्छा ओ सी, ओ सी आपके पास उसके आगे आ रहा है प्लस सी डी, डी सी नहीं लिखिएगा, सी डी ही लिखिएगा आप, ठीक है, ओ सी इक्वल टू सॉरी ओ डी इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी। अच्छा अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक चीज़ नोट करेंगे आप, वो ये चीज़ है कि आपके पास आपका जो सी डी है वो आपको नहीं पता, ठीक है, सी डी। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि सी डी आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कि सी डी जितनी लेंथ आपके पास सी डी की आ रही है उतनी ही लेंथ आपके पास ए डी की भी आ रही है, तो सी डी इक्वल टू ए ई। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर सी डी वी एक्स वी टू एक्स के बराबर तो था, लेकिन वो सी डी यहाँ पर मौजूद है, हमें ऊपर वाले कॉम्पोनेंट को देख के बनाना है, हमें वी टू को देख के बनाना है, तो इसीलिए सी डी को रिप्लेस किया जाएगा, सी डी को रिप्लेस किया जाएगा हमारे पास ए ई से। अच्छा अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओ डी किसके बराबर है, यहाँ पे लिख लो अगर चाहो तो, ओ डी आपके पास बराबर है आर एक्स के, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ए ई किसके बराबर है, अच्छी तरह से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ए ई बराबर है वी टू एक्स के, वी टू एक्स के। अच्छा उसके बाद ओ सी किसके बराबर है आपके पास, ओ सी बराबर है आपके पास वी वन एक्स के। अब इन तमाम चीज़ों को आप पुट कर दो इक्वेशन वन में, ठीक है, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन, ठीक है, तमाम वैल्यूज को आप इक्वेशन वन में पुट करोगे तो आर एक्स इक्वल टू, आर एक्स इक्वल टू ओ सी कितना है आपके पास वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स, इसको वी नहीं लिखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, वी टू एक्स।
अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि v1x किसके बराबर है, v1 cos थीटा। ज़रा इसको लिख दीजिए, v1 cos थीटा। देखो vx किसके बराबर है, v1 cos थीटा, प्लस v2 किसके बराबर है, v2 cos थीटा, है ना। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलकर रिजल्टेंट बना रहा है वो आ गया आपके पास। अब क्यों रिजल्टेंट आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो है इसीलिए रिजल्टेंट आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है। सेम वर्डिंग लिख के चलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स आप इसे कह सकते हो, y एक्सिस है ये आपके पास। अच्छा, y एक्सिस पे आपके पास रिजल्टेंट कैसे निकल रहा है, डी बी की मदद से, ठीक है, डी बी की मदद से आपके पास निकल रहा है। अच्छा, डी बी कैसे बन रहा है, डी बी आपके पास बन रहा है डी ई, डी ई का सम है वो, और प्लस ई बी का सम है वो, ई बी। अच्छा, अब डी ई आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि डी ई आपके पास सी ए के बराबर है, डी ई आपके पास सी ए के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिख दोगे छोटा सा कि डी ई जो है हम स्टूडेंट्स के पास सी ए के बराबर है, और सी ए हम इसीलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सी ए हमारे पास वी वन वाई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर वर्डिंग लिख डालो, ठीक है, तो अब थोड़ी सी यहाँ वर्डिंग लिख डालो, जैसे हमने ऊपर लिखी थी कि हमारे पास डी बी बराबर है, हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आर वाई के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट हो तो वाई आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डी ई, जो कि हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दो कि डी बी हमारे पास बराबर है सी ए के और प्लस ई बी, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो कि डी बी हमारे पास बराबर है, ये थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, देखो काफ़ी, मैं भी तो आपके सामने लिख रहा हूँ ना। अच्छा, तो डी बी मेरे पास किसके बराबर है, डी बी मेरे पास बराबर है आर वाई के, उसके बाद सी ए मेरे पास बराबर है आ वी वन वाई के, ये देखो सी ए वी वन वाई के बराबर है, और डी नहीं ई बी, ई बी ई बी मेरे पास, क्योंकि आप इसको अपने पास लिख के रखिएगा वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगी ये चीज़ समझने में, ठीक है। अब आपको पता चलिए क्या चीज़ किसके बराबर है, और अब आपने यहाँ लिखना है इसको इक्वेशन टू का नाम दे दो, ठीक है, जैसे इसे इक्वेशन वन का नाम दिया था, इसको नहीं, इसको नाम दिया था मैंने इक्वेशन वन का, इसको इक्वेशन वन कहा था, तो इसको इक्वेशन टू कह दो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन टू, ठीक है, इक्वेशन टू में पुट करते हैं। अच्छा, तो डी बी क्या मेरे पास बराबर है, आर वाई के पास बराबर है, और वी वन वाई आ गया मेरे पास, प्लस वी टू वाई आ गया, ये आ गया आपका रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपको ये पता है वी वन वाई किसके बराबर है, वी साइन थीटा, ठीक है, तो वी वन साइन थीटा और वी टू किसके बराबर है, वी टू साइन थीटा के, देखो यहाँ लिखा हुआ है वी टू वाई बराबर है वी टू साइन थीटा के। अब आपके पास ये आ गए, अब आपने इन कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट निकालना है, तो आप अब यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ज़रा मैं ये यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो नाउ वी फाइंड रिजल्टेंट आर। अच्छा, अब रिजल्टेंट आर हमने पता करना है, तो हम यूज पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सब स्टूडेंट्स को पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास रहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहाँ लग रहा है, आर एक्स आर वाई ये चीज़ बुक में नहीं लिखी हुई है,
आर एक्स उठाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आर एक्स तो एक दूसरे से मीट ही नहीं कर रहा, ये आर एक्स असल में ये है जो कि मैंने नीचे बनाया है, और ये आर वाई है, और ये आ गया आपके पास आपका आर वाई, ठीक है। तो क्या बन रहा है, रिजल्टेंट, समझ में आ गई बात, बन रहा है ना रिजल्टेंट। और यह क्या बन रहा है, एंगल, तो ये क्या हो गई परपेंडिकुलर, और वो क्या हो गई आपके पास नीचे वाली बेस, ठीक है, ये हो गए आपके पास परपेंडिकुलर। ये चीज़ बुक में नहीं लिखी हुई इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गई आपके पास बेस, और आर क्या है, हाइपोटेन्यूस, समझ गया बात। देखो ये आर एक्स है जो कि आपने ऐसे निकाल ली, ये आर वाई है जो कि आपने ऐसे निकाल ली, और तो वो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है वहाँ पर। अच्छा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, शॉर्ट में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर देखना है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर, ठीक है, यानी आर है और उस पर फिर स्क्वायर। बेस क्या है, आर एक्स, ठीक है, तो आर एक्स लिख दो, प्लस आर वाई परपेंडिकुलर, कोई शक नहीं करेगा यहाँ पर। अच्छा अब इसके आगे आर एक्स क्या निकाला था, बिल्कुल सही, आर एक्स निकाला था आप लोगों ने, आर एक्स ये रहा आपके पास। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि ना वो पूरा एक ही लाइन में आ जाए। आर एक्स आप निकाल के लाए थे वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स, ठीक है, और फिर आपने निकाल स्क्वायर। आर एक्स की जगह पे मैंने पूरा ये रख दिया क्योंकि ये आप यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हो, और यहाँ पर आप वी वाई निकाल चुके हो, ठीक है, सही है। जहाँ कहीं भी ये वेक्टर के साइन नहीं है इसे वेक्टर के साइन डालो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको समझने में कि ये वेक्टर है। अच्छा अब क्या निकाला था, वी वन वाई प्लस वी टू वाई का स्क्वायर, समझ गए। अब मुझे आर नहीं चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग रेडिकल, यहाँ नहीं करते बल्कि यहीं कर लेते, टेक रेडिकल बोथ साइड। अब ये रेडिकल लगा रहे हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता ही आप रेडिकल लगा रहे हो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए। अच्छा ये आर एक्स आपने लिखा है, आपने यहाँ पर आर एक्स इस तरह भी लिखा था, ये इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो जैसे मैं अब नीचे लिखने जा रहा हूँ। आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आर एक्स स्क्वायर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। दोनों तरह से लिखने की वजह यह है, और तीनों तरह से ताकि आप यहाँ पर आंसर छोड़ोगे तो भी आपको पता हो आपने क्या किया है, यहाँ पर छोड़ोगे यहाँ पर छोड़ोगे तो भी आपको पता हो क्या किया है, ठीक है। तो आपको आर एक्स पता है, आर एक्स आपके पास इसके बराबर भी था वी वन एक्स वी टू एक्स प्लस में, और वी वन वाई वी टू वाई आर वाई बराबर था, लेकिन आपने आर एक्स को ऐसे भी तो लिखा था कि वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, अब जगह कम है तो इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, ये डिवाइड में नहीं लिख रहा हूँ मैं, वी वन साइन थीटा प्लस वी टू साइन थीटा, यही तो पता करने का कहा था, यही तो डेरिवेशन थी हमारी, याद रखना। मेरे पास यहाँ जगह कम थी तो मैंने प्लस लगा के वो लिखा है, इसके ऊपर भी रूट आएगा, ठीक है, रूट इसके ऊपर भी लगा हुआ है, रूट ख़त्म नहीं हुआ है, तो यही डेरिवेशन आपको ड्राइव करनी थी जो कि हमने ईजिली ड्राइव कर ली है। तो देखो यही डेरिवेशन है, आर इज इक्वल टू वी वन कॉस, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ को और इंट्रोड्यूस कर लो, इन्होंने थीटा को कॉस थीटा वन थीटा टू से भी इंट्रोड्यूस किया है, थीटा वन थीटा टू थीटा वन थीटा टू, अच्छा पीछे भी हम कर देते हैं कि थीटा वन थीटा टू, ठीक है, ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू हो गया, तो मैंने थीटा लिया था कोई मसला नहीं था, लेकिन इन्होंने थीटा वन थीटा टू कर दिया है, तो उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों किया गया है, ये थीटा वन ये थीटा टू, अच्छा और मैंने यहाँ भी लिया था तो ये थीटा वन ये थीटा टू ये थीटा वन ये थीटा टू, अच्छा इसकी वजह ये यूँ कि ये इसलिए लिया गया है थीटा वन थीटा टू इसलिए किया गया इसे क्योंकि एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसलिए इसको थीटा वन थीटा टू करा है, बाकी हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, हमने काम सही किया है। तो ये हमारी डेरिवेशन थी, देखो यहाँ पर साइन वन साइन टू, यहाँ पर कॉस वन कॉस टू, ठीक है। अच्छा तो फिर उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि ये आपके पास आएगा थीटा वन, ये थीटा टू की मदद से आया, ठीक है, तो इसलिए ये थीटा वन थीटा टू। तो अब यहाँ देखो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है कि वी वन
कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू, वी वन साइन थीटा वन और प्लस लगा के, और स्क्वायर भी है, प्लस वी टू साइन थीटा टू। तो ये हमारी यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। मैंने पहले थीटा रख के सॉल्व करवाया ताकि आप लोग समझते रहो क्या काम हो रहा है। उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ इन्होंने थीटा नहीं रखा है, थीटा वन थीटा टू कह दिया है, तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है यहाँ पर आपके पास। तो ये डेरिवेशन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। लेकिन अब आप चाह रहे हो डायरेक्शन निकालना, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन के लिए मैंने फार्मूला पहले भी बताया था इससे पहले वाली में, उसको थोड़ा आसान करके लिख लो। डायरेक्शन निकालने के लिए बस टेन थीटा इस्तेमाल करो आप, टेन थीटा इस्तेमाल करो, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, इस तरह से आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। वो बहुत लंबा करके उन्होंने लिखा है लेकिन मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, वो एक स्टेप उन्होंने इजाफी दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ वो इजाफी स्टेप क्या है आपके पास। वो इजाफी स्टेप ये है कि ये आपके पास डी बी से मिलके बना था रिजल्टेंट डी बी, ठीक है, ये आपके पास मिलके बना था ओ डी से ओ डी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने डी बी क्या निकाला था, ऊपर ज़रा चेक करिए, ये रहा डी बी, ये तो ओ डी है ना, डी बी यहाँ पे निकाला था, डी बी क्या निकाला था आर वाई, तो ये आर वाई लिख दो, वेक्टर है ना, और डी ओ डी क्या निकाला था, ओ डी आपने आर एक्स निकाला था, ठीक है, ये लो, इस तरह भी लिख दो चाहो तो ये डायरेक्शन भी आपके पास आ गई। और एंगल वो है, एंगल ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये जो ओवरऑल एंगल आ रहा है ना रिजल्टेंट का, इसकी बात हो रही है, याद रखना ये वाला एंगल टू है और ये वाला एंगल बिल्कुल छोटा सा लिख रहा हूँ वन है, ये थोड़ा सा। तो यहाँ ये हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो, यहाँ ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। देखो मैंने पूरी डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करी, डिटेल में बताई, बिल्कुल एज इट इज़। अगर जो भी बच्चा इस डेरिवेशन को बोर्ड एग्जाम में लिखता है 10 out of 10 नंबर मिलेंगे, और लॉन्ग में ये सवाल ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे को खुद कराने में इसे 27 मिनट लग जाए, लेकिन अगर मैं कोचिंग में कराता तो मुझे उम्मीद है कम से कम 50-60 मिनट लगाता इसको करने में, 50 या 55 मिनट तो लगते हैं। लेकिन यहाँ ये मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपके लिए लिख दी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर दिया, सारे कंपोनेंट भी बता दिए और सब डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना आप लोग, ग्रुप की फ़ीस देख लो 2000 है सालाना। अब देखो ये जितनी भी मेहनत होती है ये इसीलिए कर पाते हैं हम, क्योंकि हमारे ग्रुप सिस्टम चलता है। तो ग्रुप सिस्टम जब हमारा चलता है तो हम ये वाला सिस्टम चला पाते हैं। तो ये वाला सिस्टम चलाने के लिए हमें ग्रुप सिस्टम की ज़रूरत होती है। ग्रुप में आपको पता है क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आप जानते हैं अच्छी तरीके से। साल में सिर्फ एक बार फ़ीस देनी है। देखिए आप खुद सोचें, हम पूरे साल आपके लिए मेहनत करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर भी अपलोड करें तो वो 25 मिनट 20 मिनट या 15 मिनट का होता है, सारे टीचर मिलके, सारे टीचरों के लिए सिर्फ आपने 2000 रुपये पे करनी है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा फ़ीस होगी आपके लिए, तो आप ज़रूर इसे पे करिएगा ताकि हम ये कोचिंग सिस्टम इसी तरह चलाते रहें और तमाम चीज़ें आपको डिटेल में समझाते रहें। अब इतनी बड़ी डेरिवेशन है, कुछ गलती तो इसमें नहीं हुई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर कुछ हो गई हो तो बता देना, ठीक है। इतनी मेरे वैसे तो मैंने इसे रीचेक कर लिया है और मैं इसे रीचेक भी करूँगा, ठीक है, अपलोड करने से पहले, तो इंशाल्लाह इसमें कोई गलती होगी नहीं। आप लोग इसको ज़रूर अपने पास लिख लेना और इसको मैच भी कर लेना। ये कुछ डायग्राम्स मिस थी ये वाली, वो भी मैंने बना के आपको एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी गेम में ज़रूर याद।